भारतवर्ष में हो रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध के संबंध में अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जालौर के राजस्थान में हुई घटना का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के जिला अध्यक्ष रोहित वाल्मीकि के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे वाल्मीकि समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पूरे भारत में जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजस्थान के जालौर जिले के ग्राम सुराणा में देखने को मिला, जहां स्वर्ण जाति के शिक्षक द्वारा एक दलित छात्र की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि दलित छात्र ने विद्यालय में रखे पानी के मटके को छू लिया था। इस बात पर छात्र को इतना पीटा गया कि उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ बदायूं के ग्राम नूरपुर में वाल्मीकि समाज को अंतिम संस्कार करने से रोका गया और वहां से यह कहकर भगा दिया गया कि तुम्हें अपने समाज के अंतिम संस्कार यहां पर करने का कोई हक नहीं है। कारण पूछने पर यह बताया गया कि आप दलित समाज से हो, इसलिए यह हक आपको नहीं दिया जाता। इस तरह की घटनाएं दलित समाज में रोष पैदा कर रही हैं। यदि सरकार सबको एक नज़र से देखती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उन्हें सजा दी जाए। जबकि राजस्थान के जालौर में हुई घटना के प्रकरण में शामिल लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अमित भारती, राम अवतार राणा, राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, संजय, अनिल, राहुल मार्शल, राहुल भारती, सागर, श्याम, सुनील, लश्करी आदि भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ का जिला अध्यक्ष, आज की मांग को लेकर आज राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में जिस एक शिक्षक जो इस देश का भविष्य तैयार करते हैं, उस शिक्षक ने एक दलित बालक को इसलिए मार दिया कि उन्होंने उसका पानी पीने का मटका छू लिया था। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आज 71 वर्ष आज़ादी के बाद में भी SC के लोग, वंचित शोषित लोग जो गुलाम हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह करना है ऐसी सोच के लोगों को जो दलितों को आज भी गुलाम समझते हैं, आज भी उनको पिछड़ा समझते हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई ऐसी सुनिश्चित करी जाए जिससे लोगों में एक मैसेज जाए कि कभी भी कोई भी SC के समाज के ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके। दूसरा, बदायूं की एक घटना है। बदायूं में वाल्मीकि समाज के लोग एक महिला का शव शमशान में जलाने गए थे, अंत्येष्टि करने गए थे। वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने आकर, जो स्वर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने इसलिए मारा पीटा उनको कि आप वाल्मीकि लोगों, आप ये शमशान यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी अंत्येष्टि केवल कहीं पर ले जाकर नाले के पास कीजिए। आज़ाद भारत के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री अखंड भारत की सोच रख रहे हैं, हम भी अखंड भारत की सोच रख रहे हैं, लेकिन अखंड भारत के अंदर क्या दलित लोग, वंचित लोग गुलामों की जिंदगी जिएंगे? ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम आज माननीय DM साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ये मटके का क्या मतलब था? ये मटका हम इसलिए लाए हैं, हम उस शिक्षक को और उस शिक्षक जैसे लोगों को, सोच वालों को हम लोग कह रहे हैं ये मटका हम वापसी कर रहे हैं आप लोगों को। और जो बच्चा, जो SC का बच्चा, जो एक छोटा बच्चा, वो किसी भी समाज का किसी भी तरीके से होता है, बच्चा बच्चा ही होता है, उसे वापसी कर दिया जाए, ये मटका हमसे वापसी ले लिया जाए। धन्यवाद।